हेलो फ्रेंड्स, आज का सवाल क्या है? आज हम क्या करेंगे और क्या सीखेंगे, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि अपनी बॉडी को, फुल बॉडी को कैसे हम लचीला बना दे, यानी कि कैसे अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना दे, इस वीडियो में आप जानेंगे। और आपको बता दूं कि हमारा सब्सक्राइबर कमेंट करता है तो मैं उसको 100% जवाब देता हूँ, और आज उसी का जवाब लेके आया हूँ। तो आप बता दूं, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि करने से क्या होगा कि आप मेरी वीडियो को बहुत ही आसानी से पा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। और बता दूं कि मेरी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होती है और मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारी फैमिली के मेंबर, प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और जुड़ जाइए। तो आप बता दूं कि आज आप सीखने वाले हैं बहुत ही अच्छे से कौन से आसन और ट्रिक्स हैं जिसके कारण आप सीख सकते हैं, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, लचीला बना सकते हैं। तो जुड़ते रहिए हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कितने फ्लेक्सिबल हैं? यानी कि अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो बताइए कमेंट करके, हम पूरे फ्लेक्सिबल हैं। अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो प्लीज मैं आपको बता दूं कि जब ये वीडियो आप पूरी देख लोगे तो पता चल जाएगा आप कितने फ्लेक्सिबल हो। तो देखते हैं अपना पहला कौन सी तरीका है जिससे आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। पहले हम थोड़ी सी एक्सरसाइज लेते हैं जो आप करें, कौन सी एक्सरसाइज है जो हैंड की है, ठीक है? तो वन, ऐसे अपने हाथ को ये और दूसरे हाथ को ये, फिर दूसरी तरफ से, ये सब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना फायदा है। अब दूसरा, फिर तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, ये आप जब करेंगे तो 100% को गारंटी देता हूँ कि ऊपर की, अपर की, यानी कि बॉडी की अपर फ्लेक्सिबिलिटी तो इंक्रीज हो जाएगी और आप लचीले बन सकते हैं, ठीक है? तो ये थी दो एक्सरसाइज। अब बात करते हैं आगे की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट के लिए अपर, जो मैंने आपको बता दी अपनी आर्म से और नेक, ठीक है? अब दूसरी है हमारी बॉटम, यानी कि लोअर बॉटम के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी बैकबोन को बेंडिंग के लिए कैसे अपनी इंक्रीज कर सकते हैं अपने बैकबोन को, ठीक है? और कौन सी एक्सरसाइज और आसन है जो आपकी बॉडी को, अपने अपर यानी कि बीच के, यानी कि मिडिल बॉडी को कैसे आपकी लचीला बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे। दोस्तों, ये है भुजंगासन। अगर आप इसे करेंगे तो आपकी बैकबोन फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आप चाहें तो इतना ही रखिए, ज़्यादा मत करिए, ज़्यादा बैक बेंड मत करना, ठीक है? और इसके बाद जो आपको बताऊंगा, उसके बाद आप सीखेंगे चक्रासन, जो आप कर सकते हैं इजीली। तो देखते हैं चक्रासन कैसे होता है, आराम से देखिएगा। आप इसे 4 बार ट्राई करिएगा चक्रासन को। अब आप देखिए चक्रासन कैसा होता है। फ्रेंड्स, दो एक्सरसाइज थी जो हमारी बॉटम के लिए सही थी, यानी कि पहली आपने देखी भुजंगासन, दूसरी देखी आपने चक्रासन। तो आप चक्रासन और भुजंगासन करेंगे तो आपकी बॉटम की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं अपनी थर्ड लेवल, यानी कि कौन सी अपनी जो बॉटम साइड की फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी लेग की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ानी है, आप देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बॉटम यानी कि उसकी जो एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए वो भी मैंने आपको दिखा दी। तीन एक्सरसाइज आपको बताई है, वो आप करेंगे तो आपको 100% आ रहा हूँ कि आप अपने नीचे की भी फ्लेक्सिबिलिटी यानी ला सकते हैं, लचीलापन ला सकते हैं। तो होल आपको बता दूं जो कंक्लूजन निकलता है, यानी कि आपने 3 स्टेप कर लिए, ऊपर की, नीचे की और बॉटम की, यानी कि लोअर बॉटम की भी आपने जब सीख ली, इन एक्सरसाइज को अगर आप डेली अपने करना स्टार्ट करेंगे तो आप लचीलापन ला सकते हैं। 100% गारंटी मैं देता हूँ आप, जब बस कंडीशन ये कि आपको करना है, यानी कि जब आप करेंगे तब तो आप रिजल्ट पाएंगे। तो जल्दी करिए, जल्दी से और पाइए फ्लेक्सिबिलिटी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक और प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे क्या होगा आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती जाएगी। और आज के लिए जय हिंद।